और अब बात देश बंद की। जी हां, आज देश भर में व्यापारियों का भारत बंद है। वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, डील और रिटेल में एफडीआई के खिलाफ व्यापारियों के संगठन कैट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज बंद बुलाया है। करीब 7 करोड़ व्यापारियों ने ई कॉमर्स, फूड सेफ्टी एक्ट, ऑनलाइन शॉपिंग, वायदा कारोबार से नुकसान को लेकर बंद का आह्वान किया है। इस दौरान मेडिकल स्टोर भी बंद रहेंगे। हालांकि लखनऊ और वाराणसी के व्यापारियों ने खुद को इस बंद से अलग कर दिया। लखनऊ में दर्शन व्यापार मंडल ने भारत बंद से खुद को अलग किया है। हालांकि राजधानी के तमाम मेडिकल स्टोर्स आज बंद हैं। मेडिकल एंड ड्रग एसोसिएशन ने आज अपनी तमाम दुकानें बंद रखी हैं। वहीं बनारस के व्यापारियों ने भी खुद को भारत बंद से अलग कर लिया है। सीएम योगी से मुलाकात के बाद उनको भरोसा दिया गया, जिसके बाद वाराणसी और लखनऊ के व्यापारियों ने खुद को इस बंद से अलग कर दिया। वहीं कुछ व्यापारी अभी भी बंद के साथ हैं। व्यापारियों का कहना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पिछले दरवाजे से प्रवेश देकर सरकार छोटे व्यापारियों को खत्म करना चाहती है, क्योंकि रिटेल क्षेत्र में एफडीआई आने से व्यापारियों और दुकानदारों को कारोबार का खतरा पड़ सकता है। मौजूदा नियम वॉलमार्ट को भारत में काम करने की इजाजत नहीं देते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी खरीदने के बाद पिछले दरवाजे से बाजार में उतरने की तैयारी कर रहा है। वहीं केमिस्ट दवा की ऑनलाइन बिक्री का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ई फार्मेसी के जरिए बिना डॉक्टर के पर्चे के दवा बेची जा रही है, जो कि फार्मेसी नियम के खिलाफ है। बात लखनऊ की जाए तो व्यापारिक संगठनों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं, लेकिन आदर्श व्यापार मंडल ने खुद को इस बंद से अलग किया हुआ है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद आदर्श व्यापार मंडल ने खुद को इस बंद से अलग कर दिया। हालांकि राजधानी में तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। व्यापारिक संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। हालांकि लखनऊ में तो बता दें आपको, आदर्श व्यापार मंडल जो है लखनऊ में वो शामिल नहीं है इस बंद में, लेकिन केमिस्ट की दुकानें बंद नजर आ रही हैं। जिस तरीके से पहले कहा गया था कि दवाई विक्रेता जो हैं वो इस बंद में समर्थन देंगे, तो दवाई विक्रेता समर्थन देते हुए नजर भी आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी कुछ हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से दुकानें जो है अभी तक नहीं खुली है, क्योंकि सुबह के 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक मेडिकल स्टोर जो है वो बंद पड़े हैं, जैसा कि पहले ही आवाहन किया था। हालांकि व्यापार मंडल की अगर बात कर ली जाए तो आदर्श व्यापार मंडल ने इस बंद से खुद को अलग रखा है। व्यापारिक संगठन जो है सीएम के भरोसे के बाद उन्होंने इस बंद से खुद को अलग कर लिया था, लेकिन कुछ केमिस्ट जो है, जो फार्मेसी की शॉप्स है, वो कहीं ना कहीं इस बंद के समर्थन में है, और इसी के चलते मेडिकल स्टोर्स जो है वो अभी तक नहीं खुले हैं। और ऐसे में मेडिकल स्टोर्स ना खुलने से लोगों की जो दिक्कतें हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं, वो बढ़ती हुई नजर आएंगे, क्योंकि लोग दवा लेने जब दुकानों पर पहुंचेंगे तो केमिस्ट की शॉप खुली ना होने की वजह से लोगों को इधर उधर भटकना पड़ेगा, और इधर उधर भटकने के बावजूद भी उन्हें दवाइयां यहां पर शायद ही मिल पाएंगी, क्योंकि मेडिकल स्टोर्स आज बंद हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ विनोद इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देहरादून से रामानुज हमारे साथ है, साथ ही साथ अमित भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। विनोद, सबसे पहले आपके पास आते हैं, राजधानी की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर कुल मिलाकर बंद का कैसा असर देखने को मिल रहा है? देखिए, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो खुले हुए हैं। व्यापार मंडल ने चूंकि बंद का समर्थन नहीं किया है, तो लिहाजा तमाम दुकानें जो है वो खुली हुई हैं, लेकिन मेडिकल जो एसोसिएशन है, मेडिकल एंड ड्रग एसोसिएशन, उसने इस बंद को कामयाब बनाने के लिए तमाम दुकानों को, तमाम जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको आज बंद किया हुआ है। इसका असर लखनऊ में दिखाई देने लगा है। जो मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, जैसे जो मेडिकल स्टोर्स हॉस्पिटल या नर्सिंग होम्स के अंदर हैं, उन वो मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं। इसके अलावा जन औषधि केंद्र जो है उनको आज खोला गया है। यहाँ पर बड़ी भीड़ दिखाई देगी, भारी भीड़ है, चूंकि मरीज दवाओं के लिए परेशान है। तमाम जो मेडिकल स्टोर्स है, चाहे वो केजीएमयू जो है उसके बाहर बहुत बड़ी संख्या में मेडिकल स्टोर्स है, तमाम जो अस्पताल है, इसके अलावा सिविल अस्पताल है, चाहे वो रामलाल लोहिया अस्पताल हो, यहाँ बड़ी संख्या में मेडिकल स्टोर्स हैं, वो सभी मेडिकल स्टोर्स आज बंद हैं। जो बड़ा थोक होलसेल का मार्केट है अमीनाबाद में,
वो बंद है आज, तो इसलिए दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। और खास करके जो मरीज बाहर से आ रहे हैं इलाज कराने के लिए, और जब डॉक्टर दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करा रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो वो उसे खरीद नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए लोग यहाँ से वहाँ भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेडिकल स्टोर्स पर जा रहे हैं, वहाँ बंद हो रहा है, उसके बाद वो किसी नर्सिंग होम के मेडिकल स्टोर पर जा रहे हैं खरीदने के लिए, तो वहाँ भी बड़ी भीड़ लग रही है। तो ये इसका असर कहें कि जो मेडिकल स्टोर्स का बंद होने का असर है वो लखनऊ में दिखाई दे रहा है। हालांकि बाकी व्यापारिक संगठनों का जो बंद का बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा, तमाम जो प्रतिष्ठान है वो खुले हुए हैं। चलिए, तमाम प्रतिष्ठान बाकी खुले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केमिस्ट शॉप बंद होने से लोगों की परेशानी जो है वो नजर आने लगी है। रामानुज हमारे साथ देहरादून से लगातार बने हुए हैं। रामानुज, जो देहरादून की अगर बात कर ली जाए, तो जिस तरीके से लखनऊ में नजर आ रहा है व्यापारिक संगठन जो है कुछ खुद को कहीं ना कहीं सीएम के आश्वासन के बाद इससे दूर किए हुए हैं, देहरादून में भी क्या यही तस्वीर नजर आ रही है? वहां पर भी व्यापारिक संगठन पूरी तरीके से समर्थन में नहीं है इस बंद के? शिल्पा, राजधानी देहरादून में जो केमिस्ट एसोसिएशन है उसने जो हड़ताल कॉल की है, वो सबसे पहले आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर केमिस्ट एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं और दूसरे जो मेडिकल स्टोर के जुड़े हुए व्यवसायी हैं, वो सब के सब दून मेडिकल हॉस्पिटल के पास में पहुँचे हैं, और यहाँ से अभी थोड़ी देर के बाद ये रैली निकाल कर DM कार्यालय पहुँचेंगे और DM के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपेंगे। चूँकि इनकी जो मांग है कि ई फार्मेसी होने से ऑनलाइन अगर दवाएं बिकती हैं तो जो प्रतिबंधित दवाएं हैं वो भी बेची जा सकेंगी, और दूसरा इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर प्रतिबंधित दवाएं आती हैं तो इनकी प्रामाणिकता क्या होगी, इनको अगर टेस्ट कराया जाए तो क्या वो खरी उतरेंगी या नहीं उतरेंगी, क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, इस तरह के बहुत सारे इनके सवाल हैं और डायरेक्ट इनका जो व्यवसाय है वो प्रभावित हो सकता है। तो राजधानी में जितने भी मेडिकल से जुड़े हुए केमिस्ट हैं और दुकानदार हैं वो सब के सब आज इस प्रदर्शन में शामिल हैं। और जहाँ तक सवाल इसका है कि दूसरे एसोसिएशन का, तो दूसरे एसोसिएशन ने आज बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं किया है, मॉरली सपोर्ट की बात अलग है, लेकिन और दुकानें बंद नहीं है। फिलहाल हम बात करते हैं, हमारे साथ में नवीन खुराना है जो महामंत्री एसोसिएशन के। सर, आप लोग बताइए क्या क्या मैसेज देना है, क्या कहना है आपका? देखिए, जो निसंदेह हम जो आज का बंद है ये ऑनलाइन को लेकर है, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं पूरे देश भर में, क्योंकि इससे एक तो दवा का जो है हमारा 8.5 लाख जो दवा व्यवसायी हैं, ये इनके परिवार और उनके जो स्टाफ है, ये मिला के 3 करोड़ से ऊपर संख्या पहुंचती है जो बेरोजगार की तरफ जाएगा। ठीक है, दूसरा, प्रतिबंधित दवाइयाँ जो जैसे कि बताया गया है ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी ऑनलाइन के थ्रू, जो आज भी हो रही हैं। अगर आप देखें, आप खुद भी मंगाना चाहें, कोई भी आप दवाई मंगाना चाहें, आज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। पर वो हमारे का बिजनेस मैन प्रभावित हो सकता है, जो प्रतिबंधित दवाएं हैं, चाहे MTP है, चाहे वो दूसरी कोडीन जैसी दवाएं जो है, वो भी ये इजीली मिल जाएंगी जो भी हैं, और युवाओं में जो है नशे की प्रवृत्ति फैलेगी। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये भी जानना चाहता हूँ इनसे कि जैसे हमारा मैन्युफैक्चरर द्वारा 20% और 8% का मार्जिन तय है, तो ये कहाँ से जो है ऑनलाइन वाले 30-30, 40-40% का डिस्काउंट दे देते हैं? ये दवाइयाँ कहाँ से खरीद रहे हैं? बहुत सवाल है इस तरह से कि अगर सस्ती दवाएं बिकती हैं तो यकीनन उसका रेट कैसे तय हो रहा है, क्या वो सही है कि नहीं है, लैब टेस्टेड है कि नहीं है, और उसका साइड इफ़ेक्ट भी पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि मनोवैज्ञानिक कोई डॉक्टर से लिखता है तो उसका क्या रिएक्शन होगा, अगर वो स्किन स्पेशलिस्ट है तो उसका क्या रिएक्शन होगा? दवाओं को लेकर इस तरह की भ्रांतियाँ भी हैं, और केमिस्ट एसोसिएशन ये चाहता है कि जो 28 अगस्त 2018 को अभी केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि ऑनलाइन बिक्री की जाए, उनका इसी बात का विरोध है। फिलहाल दूसरे एसोसिएशन का बहुत ज़्यादा यहाँ सपोर्ट नहीं है, केवल केमिस्ट एसोसिएशन ने ही अपनी कॉल आह्वान की है, और जिससे मरीजों को आज दवाएँ नहीं मिल रही हैं। बिल्कुल रामानुज, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखा जाए तो केमिस्ट अपनी बात जरूर रख रहे हैं, उनको घाटा होगा, लेकिन दूसरी तरफ एक पॉइंट ये भी है कि लोगों को कहीं ना कहीं सस्ती दरों पर दवाइयां मिल पाएंगी ऑनलाइन होने की वजह से। बहरहाल, अमित हमारे साथ लगातार बन चुके हैं वाराणसी से, हम इससे भी जान लेते हैं वाराणसी का हाल। अमित, वाराणसी की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर व्यापारिक मंडल जो उन्होंने कहा कि इस बंद में समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन परेशानियां लोगों के लिए यहाँ पर कैसी नजर आ रही है? यहाँ पर भी क्या लोगों को दवाइयों के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, जैसे कि स्थिति और जगह देखने को मिल रही है? देखिए, वाराणसी के लिए राहत की खबर यह है कि चाहे वो केमिस्ट एसोसिएशन हो या कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री या अन्य कोई व्यापारिक संगठन, सभी संगठनों ने बंद से किनारा किया है। बंद जो पहले से तय था मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद उसको वापस ले लिया गया है। मैं इस वक्त शास्त्री नगर मार्केट में मौजूद हूं, आप देखिए तमाम जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, बंद का कहीं कोई असर नहीं है, चाहे दवा की दुकान हो या FMCG से जुड़े हुए दुकान या फिर फुट
इसलिए नहीं है, कोई संगठन बंद के पक्ष में नहीं है। देर शाम कल मुख्यमंत्री की व्यापारियों से क्या बात हुई थी चर्चा कर लेते हैं। बनारस व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा जी हैं। कल मुख्यमंत्री के आश्वासन पर आप लोगों ने बंद वापस ले लिया, तो क्या ये माना जाए कि देश भर में जो व्यापारी बंद कर रहे हैं आप लोग उसके अगेंस्ट है, क्या माना जाए? हम लोग बनारस में अपने हिसाब से बंद और खुले का निर्णय करते हैं। जो भी बंदी ऊपर से आती है उसके ऊपर यहाँ विचार होता है, व्यापारियों की बैठक होती है, उसमें तय होता है। कल ये तय हुआ कि अगर मुख्यमंत्री जी मिलके अगर हम लोगों को आश्वासन देते हैं तो हम लोग बाजार बंद नहीं करेंगे, इसलिए आज पूरा बाजार खुला है। और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हम लोग की बातों को ध्यान देंगे और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करवाते हुए अधिकारियों और यहाँ के नेताओं को पूरी तरह जिम्मेदार करवाएंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, जो रिटेल सेक्टर में FDI की बात है जिसके विरोध में हैं आप लोग, या GST में कई विसंगतियां हैं जिसके खिलाफ ये बंद बुलाया गया था, तो अभी भी समस्याएं हैं ना? ऐसा तो नहीं है कि समस्याएं नहीं है? समस्याएं अभी वैसे ही बनी है, परंतु जैसे GST में अभी इन्होंने फिर से सरलीकरण किया है, इसी तरह ये FDI में भी इनको विचार करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो व्यापारियों को लामबंद होने में भी देर नहीं लगेगी। कल मुख्यमंत्री जी से क्या बात हुई थी? मुख्यमंत्री जी को बनारस के बारे में और यहाँ की समस्याओं के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा मेरे नजर में है, आप लोग परेशान ना हो, 15 दिसंबर तक काशी काशी नजर आएगी। व्यापारियों को उन्होंने क्या आश्वासन दिया? व्यापारियों को उन्होंने आश्वासन दिया यहाँ की रोड, यहाँ का अतिक्रमण, यहाँ का यातायात, यहाँ का उद्योग सब ठीक होगा, बस कुछ इंतजार करें। आज के बंद को लेकर मुख्यमंत्री जी ने क्या आह्वान किया था? उन्होंने ये कहा कि इससे कोई लाभ नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, अभी थोड़ा समय दीजिए। तो मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया व्यापारी संगठनों ने उस आश्वासन पर भरोसा किया है, और भरोसे का नतीजा यह है कि बनारस के लोगों को बड़ी राहत मिली है, चाहे दवा की दुकानें हो या अन्य कोई दुकानें, पूरे मार्केट शहर में खुले हुए हैं, बंदी का कहीं कोई असर नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर तो मुख्यमंत्री के आश्वासन से चीज चल गई, लेकिन और जगह देखने वाली बात होगी फिलहाल चीजें और स्थितियां कैसे आगे रुख करती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, अमित आपका भी, रामानुज आपका भी और विनोद आपका भी।